धनबाद में मंगलवार की शाम हुए झाइमो नेता रंजीत सिंह की हत्या के खिलाफ झाइमो कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। जिला अध्यक्ष रंजीत सिन्हा और रमेश शाही के नेतृत्व में भारी संख्या में झाइमो कार्यकर्ता रणधीर वर्मा चौक पर जमा हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि दिवंगत नेता रंजीत सिंह ने धनबाद SSP को पत्र लिखकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मिलने का समय भी मांगा था लेकिन SSP ने मिलने का समय नहीं दिया था। झाइमो के बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है और सब ने एकजुट होकर धनबाद SSP को पद से हटाने की मांग की है। इससे पूर्व देर रात झाइमो नेताओं ने अस्फी अस्पताल के निकट सड़क जाम किया था और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे ग्रामीण SSP को भी घर वालों ने काफी खरीखोटी सुनाई थी। संभावना को रंजीत सिंह ने SSP को फोन पर बताया था, जब तक पता लगा हुआ था बता रहा था रंजीत सिंह की हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी हत्या हो जाती है। और ये आरोप तो पुलिस एक सब्जेक्ट मैंने कहा था, धनबाद का जिला पुलिस है, धनबाद का जिला पुलिस है, वो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करेगा। इसको हत्या किसको हत्या कराना है, किसको ये कराना है, ये सारा चीज़ कर रही है। इसलिए हम लोग आज मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से चौबीस घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो। शासन SSP मनोज रतन चौथे सत्ता पक्ष के इशारे पर फिर सिर्फ कोयला चोरी करवाते हैं, मगर आए दिन सामाजिक कार्यकर्ता के साथ गोली मारकर हत्या कर देती की जाती है। हत्याओं का दौर चला हुआ है, ऐसा लगता है कि रघुवर सरकार धनबाद में SSP को सुपारी दिए हुए हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या करो। क्या मांग है, क्या आपको मांग है कि SSP का बदली SSP का यहां से अभिलंब हटाया जाए, तभी लॉ एंड ऑर्डर सुधर सकता है। आप